अभी हाल ही में जो ARO का जो पेपर हुआ है हाई कोर्ट का, 24 फरवरी को इसी साल 2019 में, मॉर्निंग की शिफ्ट है, इसकी आंसर की लेके आया हूँ। टाइम लग गया लेकिन एक्यूरेट आंसर है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1885 में? ये की गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड कर्जन ने 1904, लॉर्ड कर्जन, इसका ऑप्शन है, भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम नियम पारित किया था। स्वदेशी का अर्थ है हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों के द्वारा बनाया हुआ, स्वदेशी। बाल गंगाधर तिलक, यह तो बाल गंगाधर तिलक थे, इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया। देखो ये बाल गंगाधर तिलक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, लाल बाल पाल, इसका एक वो भी है, लाल बाल व पाल, ये तीनों कट्टरपंथी के बेटे, लाला से लाल लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल से, ठीक है, पाल, तो ये कट्टरपंथी के बेटे नेता। क्वेश्चन नंबर 7, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर ने सन 1914 में घरेलू शासन आंदोलन के लिए काम करना शुरू किया था। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ, और इसे ये समझौता कहाँ पर हस्ताक्षर हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है। देखो ये आंसर आ गया, देखो ये मैचिंग वाला आंसर है, 30 दिसंबर 1906 को क्वेश्चन आ गया, ये सेम ऐसे ही, 30 दिसंबर 1906 को कहाँ की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी ऑल इंडिया लीग की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, ठीक है। मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्वशासन प्रस्तुत किया था, स्वशासन स्वशासन प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 12, रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के मेले पर, जहां पर लोग स्वतंत्र वो इकट्ठा हो गए थे सारे के सारे मिलकर, तो ये है जलियांवाला बाग, जहां पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी। उच्च न्यायालय के, जलियांवाला बाग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए अनुभव कितना चाहिए? ये है 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीट थी? ये थी उत्तर प्रदेश में, 80 के करीब सीट थी। क्वेश्चन नंबर 15, खान सुरक्षा विभाग भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? यह है श्रम और रोजगार मंत्रालय। 2018 में किस योजना के जरिए भारत में बीमा के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा की शुरुआत की गई? ये कही गई आयुष्मान भारत के साथ। इनमें से कौन RBI की अनुषंगी है? यह है नेशनल हाउसिंग बैंक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रेमा गोपालन को सामाजिक उद्यमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध नहीं थी उस समय? तो ये थी खाद मशीनरी, बाकी सारी चीज सूचीबद्ध थी। भारत में ऑपरेशन फ्लड बहुत बार पूछा जाता है, दूध से रिलेटेड है। भारत में मेवाड़ उत्सव, मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है उदयपुर के अंदर, मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? ये है रूमटेक मठ, ठीक है, रूमटेक। और जो तवांग है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य बहुत बार पूछा गया है। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? यह है फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन सी आईटीआई उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में बीएचयू, और देखो बीएचयू के साथ साथ देखो बीएचयू जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा गया है, अब इसका क्वेश्चन आ गया, ये पूछा स्थापना कब हुई, दो क्वेश्चन सेम आ गए, इससे पहले एक और आया था लखनऊ समझौता वाला, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1921, ठीक है, 1919, कंफ्यूजन है इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, 1921 है वैसे इसका। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? इज्जत नगर, बरेली, चौखंडी। दे उस्ताद बिस्मिल्ला खां कहीं के लिए मशहूर है? सेनाई के लिए, भारत रत्न भी दिया गया जिनको। चौखंडी स्तूप कहाँ पे स्थित है? यह है सारनाथ में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ये देखो ये सारी बांदा कृषि, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जीबी पंत। जीबी पंत जो है ये है उत्तराखंड के अंदर, और रानी लक्ष्मीबाई ये भी ये झांसी के अंदर है, रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका आंसर है जीबी पंत, जो कि उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नरोड़ा है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र है? रेणुकूट। मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल रिफाइनरी। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। यूपी स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? कानपुर में। 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में किस स्थान पर आरंभ हुआ? यह हुआ मेरठ में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है? यह है पश्चिम बंगाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36, लगातार दो जनगणनाओं के बीच का कितना अंतराल होता है? यह होता है 10 वर्ष, 2001 2011, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो दोनों क्वेश्चन सेम से है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? यह है महाराष्ट्र के अंदर। ऑटो पारिस्थिति विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जिसमें किसी व्यक्तिगत जीव या एक ही प्रजाति के उसके पर्यावरण के जीवित और गैर जीवित कारकों की परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। इनमें से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है? यह ट्रोपोस्फीयर, जिसे सौरमंडल भी बोलते हैं, ठीक है। 43, निस्थानिक प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति दो अलग अलग समूह में पृथक होती है, जो एक दूसरे से अलग होती है, इसको बोलते हैं विस्थानिक, जिसे एलोपैट्रिक भी बोला जाता है, एलोपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 44, आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित प्रजातियों की आबादी में वृद्धि की क्षमता, ये क्या कहा जाता है? जैविक क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी है? डॉल्फिन, जो है ना खाद्य श्रृंखला में डॉल्फिन जो है छोटे छोटे जीवों को खा जाता है इस तरह से। इनमें से कौन सा शहरीकरण का एक कारण नहीं है? तो यह है खेती। इनमें से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है? देखो दो क्वेश्चन सेम से आए हैं, शहरीकरण शहरीकरण, ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है, तो यह है अपराध। एक महानगरीय शहर का अर्थ है, एक महानगरीय शहर का अर्थ है कि जहां पे बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति है वो एक साथ बसी हो, पृष्ठभूमि ये है ना, यह विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से बना शहर होता है, ठीक है। पाक जलड मरुमध्य, पाक स्टेट, ठीक है, ये कहाँ पे, दोनों के किन दो देशों के बीच में है? तो यह है भारत और श्रीलंका के बीच में, जो पाक स्टेट है ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। क्वेश्चन नंबर 50, बुसान बंदरगाह कहां पे है? दक्षिण कोरिया में है। बुसान बंदरगाह कहां पे है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती पूछा गया है, तो यहां से नहीं गुजरती, ब्राजील से। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है? तो कौन सा जापान का द्वीप नहीं है? सिनकोवे, बाकी सारे के तीनों द्वीप जापान के उसमें है। फोकलैंड द्वीप समूह को लेकर फोकलैंड विवाद कहां पे है? यूके और अर्जेंटीना,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, वह है नर्मदा, बाकी तीनों गिरती है। ठीक है, अरावली पहाड़े की श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी, बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, यह है गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 56। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। माउंट गिरनार गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, जिले में स्थित है, जूनागढ़ के जिले में स्थित है। किस धातु के लिए धरती से बॉक्साइट निकाला जाता है, तो ये एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए निकाला जाता है, एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट, मतलब दोनों के दोनों एक साथ निकलते हैं ये। फरक्का जल सहभाजन संधि किन दो देशों के बीच में, यह भारत और बांग्लादेश के। निम्नलिखित में से कहां नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है, रामपुरा आगुचा, ये दरअसल एक जिंक की खान है, माइन है जिंक की, जहां से जिंक निकाला जाता है, बड़ी खान है, सेकंड लार्जेस्ट है ये, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है, ये है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि अर्थव्यवस्था एक अलग चीज होती है, इकोनॉमी। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित, दो, देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है, इस वाले क्वेश्चन पे देखो थोड़ा सा डाउट है, इनडायरेक्ट क्या है कुछ इसका बता नहीं पाऊंगा सही तरीके से। 64 सिस्टम बस को तीन कार्यात्मक समूह में विभाजित गया, देखो सिस्टम बस को तीन उसमें डिवाइड करा गया है। ठीक है, एक तो होता है डेटा बस, एक होता है एड्रेस बस, एक होता है कंट्रोल बस, ये तीन है। ठीक है, रो इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया को पालन किया जाता है, देखो जो जो मेथड है वो तो यह प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, बाकी फिर भी मैं कहूंगा कि मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है। 63 और 65। क्वेश्चन नंबर 66, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि जल्दी से आपकी आंसर चेक कर लो अपने। यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है, एक से अधिक प्रोसेसर यानी कि मल्टी प्रोसेसर, किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरणस्य विवरण इससे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है, एल्गोरिदम, जहां पे सारी की सारी गणनाएं वगैरह होती है। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहां क्रियान्वित किए जाते हैं, होता है मतलब, तो ये ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, जो कि CPU का एक पार्ट है। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग होता है, देखो अब जो चल रहे P5 चल रहे हैं, Pentium 5 यानी कि पांचवी पीढ़ी चल रही है। ठीक है, ये जो है ना, इन वाले कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, 69 हो गया, अब आ गई बात 70 की। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग फोन लाइन और डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है, देखो दोनों के बीच जो डिवाइस लगा होता है उसे बोलते हैं मॉडेम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम किस भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 में, देखो बाइनरी सिस्टम है, 12th में या 10th में पढ़ाया है, BCD बाइनरी कोड, डेसिमल फुल फॉर्म है इसकी BCD की, और सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में भी जाना जाता है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गई। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से क्या जाना जाता है, पेन ड्राइव, USB भी बोल देते हैं जिसे, WORS राइट वंस रीड मैनी। देखो फुल फॉर्म भी पूछे जा रही है, आप अगर ध्यान दो तो इस पे कंप्यूटर की फुल फॉर्म मतलब सीधा का सीधा नंबर मिल रहा है, राइट वंस रीड मैनी। क्वेश्चन नंबर 75 हो गया, राइट वंस रीड मैनी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि
कंपाइल टाइम एरर जो आता है ये बोलता है सिंटैक्स एरर, ठीक है, सिंटैक्स एरर, ठीक है। 77 है, दशमलव भिन्न संख्या 0181125 को बाइनरी समकक्ष में बदले, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.1101, ठीक है। दशमलव संख्या 0.759 को, 759 को 8 उसमें मतलब ऑक्टेल संख्या में बदलना है, तो ऑक्टेल संख्या में जब बदलेंगे ये 1367 आएगा। क्वेश्चन नंबर 79, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता। तो देखो COM, जो ये COM है ये डॉट कॉम होता है, जो www डॉट कोई भी साइट है डॉट कॉम, ठीक है, ये इस तरह से होता है, तो कॉम नहीं है इसका आंसर जो है, ठीक है, नहीं किया जा सकता, यहाँ से नहीं किया जा सकता। ये जो MICR है ये सारे के सारे जो कैरेक्टर है वो रीड करने वाले हैं, वो MR जो MR शीट हम जो एग्जाम वगैरह में फिल करते हैं, OCR, ठीक है, ये भी कैरेक्टर रिकॉग्निशन वाला है, ठीक है। MS वर्ड की सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होते हैं। सूची बनाने में क्या होते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग, अगर जैसे हम सिलेक्ट करके किसी भी पैराग्राफ को इस तरह से लाइनों को अगर ये कमांड चलाते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो सूची बन जाती है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 81, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, यह है जलवायु परिवर्तन से। स्पाइडरमैन, हल्क आदि जैसे प्रसिद्ध चरित्रों का निर्माण करने वाले किस महान हास्य लेखक का हाल ही में निधन हुआ है, यह है स्टेनली। इनमें से तुर्की के किस शहर में 2018 में हाल ही में एक बड़े हवाई अड्डे का, देखो तुर्की में है और ये इस्तानबुल वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट है, वर्ल्ड बिगेस्ट, ठीक है, ये एयरपोर्ट है, ठीक है। अक्टूबर 2018 में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 12वीं बैठक कहां पे हुई थी, ये हुई थी सिंगापुर में। इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ EU का सदस्य नहीं है, ये है तुर्की। क्वेश्चन नंबर 86, दिसंबर 2018 में किस देश में 100 रुपए से अधिक मूल्य वाले भारतीय नोटों के चलन पर रोक लगा दी, तो इस पे जो बैन लगा है वो नेपाल ने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 87, दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली, अशोक गहलोत ने। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी, आत्मकथा VVS लक्ष्मण जो है 281 एंड बियॉन्ड। नवंबर 2018 में UPSC के जो चेयरमैन है वो किन्हें सिलेक्ट करा गया, अरविंद सक्सेना को। मुक्केबाजी में इस चैंपियनशिप के कितनी बार 48 किलोग्राम में कितनी बार जीत लिए इन्होंने, तो 6 बार जीत चुके हैं, गोल्ड जीत चुके हैं 6 बार। मैरी कॉम, नवंबर 2018 में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डोनबास को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से जीता है। नवंबर 2018 में किस राज्य ने देश में पहली बार एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 93, आहाना का जन्म 18 अप्रैल 1971 को रविवार का दिन बैठा था, तो 10 वर्ष बाद कौन सा दिन बैठेगा, तो ये बैठेगा शनिवार, ठीक है। एक कूट भाषा में बिगेस्ट को BGST लिखा, देखो जितने भी AEI हुई है जो वोवेल्स है AEIOU सबको छोड़ा गया, आई को छोड़ दिया, ई को छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे भी आई को छोड़ देंगे और ओ को छोड़ देंगे, इसी तरह से आई को छोड़ देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसी तरह से उसी भाषा में क्रिप्ट को जो भी है उसको ऐसे, देखो इसमें वोवेल्स तो है नहीं, तो वोवेल्स नहीं है तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है, इसका आंसर है ए, समझ गए होंगे। तो कंट्रोलिंग को वापस करके लिखा है GNILL GNILL, इस तरह से ये बन जाएगा। 95 का है ये, और 96 का है गोल्ड, GODSENT गोल्ड जैन को, देखो F को G कर दिया है, N को O कर दिया है, C को एक अक्षर बढ़ा के लिखा है, तो इस क्रम में इस वाली सीरीज से ये आ जाएगा 96 का A। देखो 97, रंजीता साफ उजली धूप वाली सुबह में समुद्र के किनारे चल रही है, यदि उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ की ओर पड़ रही है तो उसकी पीठ दी हुई दिशाओं में किस ओर है, तो देखो ये सूरज है पूरब की तरफ से निकलता है, पूरब की तरफ से, तो दाहिनी ओर पड़ रही है, देखो ये आदमी है इस तरफ से चल रहा है, कोई आदमी है इस तरफ से चल रहा है, तो उसकी पीठ इधर होगी और उसकी राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो इसकी इधर पड़ रही है परछाई, तो उसकी पीठ किधर होगी, उत्तर की तरफ, तो उत्तर है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन
में किसी रूप से समानता है और इसलिए वो एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस समूह से समूह में शामिल नहीं है? देखो, एक की क्यूब, यह है 50 की क्यूब और यह है 13 की क्यूब, तो ये जो है ये किसी की क्यूब नहीं बैठ रहा है। तो बस देखो रीजनिंग है, ये जाना चाहिए इसका 681400। बैस्टली को 84 लिखा, देखो इनको काउंट करके देखो, 2 5 1 इनको अगर काउंट करेंगे तो 84 आ जाएगा, इसी तरह से इसको काउंट करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, ये एक इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, तो एक सिचुएशन है, इसमें पूछा गया है कि इसका जो आंसर है ये आएगा, अपने मोबाइल से जानवरों के साथ होने वाले इस तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने वाले किसी संगठन की हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए, उन्हें घटनास्थल और मामले के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उनमें निश्चय पूर्वक कहना चाहिए कि वो अपनी यात्रा पूरी करने के बाद इस मामले में मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए 100। क्वेश्चन नंबर 101, दो निर्देश दिया, स्टेटमेंट है दो प्रकार की, सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं, ठीक है, बुधवार हफ्ते के बीच में आता है, ठीक है, संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, देखो वेनसडे बीच में आ रहा है, स्टेटमेंट है, जो निष्कर्ष जो निकल रहा है, आगे के हफ्ते में 6 दिन होंगे, नहीं होंगे, और बृहस्पतिवार आगामी हफ्ते के ठीक बीच में आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक बीच में कहा है, देखो ठीक बीच में नहीं आ रहा है, ठीक बीच में नहीं पड़ेगा, सही इन्होंने कहा है ठीक बीच में नहीं पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है इनका, निष्कर्ष सेकंड जो है ठीक है, यानी कि यदि केवल निष्कर्ष सेकंड का पालन हो तो भी ठीक है। आर्यमान के पास नॉन डिजिटल साधारण सी घड़ी है जिसमें घंटे और मिनट की सुई है, यदि यह मान ले कि यह घड़ी पूरे 24 घंटे लगातार ठीक से चलती है तो 24 घंटे निरंतर अवधि के दौरान कितनी बार दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर होगी? देखो इस क्वेश्चन में डाउट है, इसलिए इसको हटा रहा हूं। कैथरीन एक साधारण पासा खेल रहे, देखो साधारण पासे का जो योग होता है वो 7 होता है, जैसे 1 2 3 6 5 4 7 7 7। तो ये पूछा, जनरली पूछा गया कि यदि उसके पास ऊपरी हिस्से में संख्या 5 है तो नीचे क्या होगा, 5 का अपोजिट 2, ठीक है 2। रुचित 48 छात्रों की कतार में है, 48 छात्र है, देखो 17 आ जाएगा, काउंट करके देख लेना, 105 है पूरे शरीर, जो आरबीसी है जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण निभाते हैं आरबीसी, ठीक है। देखो ये आरबीसी है पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए, इसका आंसर है आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 106, गति ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? यह है जूल। वायुमंडलीय दाब को नाम मापने के लिए क्या किसका इस्तेमाल किया जाए, बैरोमीटर। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने करी थी, फ्रेडरिक मिशर ने। 109 है खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? यह है जीव। पारिस्थितिकी तंत्र का यानी कि इकोसिस्टम का जो अंग नहीं है, जो पार्ट नहीं है, वो क्या है? तो वह है जीव। निम्नलिखित में से कौन सा अनावरणीय संसाधन है? तो ये है कोयला, जिसको नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं, जिसको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल, जिसको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, वो कोयला है, कोयला लास्ट उसमें पाया जाता है। धरती की सबसे भारी परत कौन सी है? यह क्षोभ मंडल। धरती जो धरती है ना, इसके जो भारी है क्षोभ मंडल। उस विषय का नाम बताइए जिसमें चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों, जीवाश्मों और तलछट की आयु का निर्धारण किया जाता है, तो इसे बोलते हैं भूकालानुकरण, जियोक्रोनोलॉजी, ठीक है, इसे भी कह सकते हैं जियोक्रोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114, ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी भी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं, ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के। इसकी 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम क्या थी, यह भावी भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संगठन का मुख्यालय कहां पे है, बहुत मशहूर है, बेंगलोर में है, जिसे क्या बोला गया है, इसरो।
इसरो के नाम से बहुत मशहूर है ये। ऋग्वेद देखो, लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी। जो शिवलिंग होता है इस तरह से ऋग्वेद, ठीक है। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद कौन से सम्राट अशोक जो है कौन से वंश से बिलोंग करते थे? मौर्य वंश। तो इनकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश जो है ना धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया था। 119 है प्रशस्ति सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक था जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना गया, जिसने सन 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को हराया था। तो कौन है ये प्रशस्ति? 119 प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 120, धम जो है धम राज्यों राज्यों देशों का संग्रह है जिसमें जो अशोक है उसने अपनी नीतियां वगैरह का उल्लेख मिलता है। धम क्वेश्चन 120 का धम। 121, राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया आखिरी युद्ध कौन सा? देखो कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने कलिंग युद्ध में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, उसको नरसंहार को देखते हुए इन्होंने त्याग दिया था युद्ध वगैरह। 122, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण यह था कि पुष्पमित्र का तख्तापलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ मौर्य लोगों का विद्रोह था, और मौर्य कला उदाहरण था मौर्य द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकरण था पुष्पमित्र, ठीक है। व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु क्या थी? तक्षशिला, जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। तो ये थी तक्षशिला। मालविका अग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया जो कि अगस्त्य गोत्र से संबंधित है। दिल्ली पहली बार किसने कौन से शासक के द्वारा कौन सॉरी दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी? वो बनी थी तोमर राजपूतों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127, सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी जिसमें साम्राज्य जनपदों में बटा हुआ था। जनपदों, ठीक है। जनपद को क्या कहा गया था? आहारा। आहारा में मतलब डिवाइडेड थे जनपद जो था, इसके भी डिवाइडेड कर दिया था इस तरह से। इनमें से किस उर्वरक के लिए बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का? सल्फ्यूरिक एसिड का जो है फॉस्फेट उर्वरक के का उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार की कौन सी संस्था भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान केंद्र सरकार की कौन सी संस्था भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान में समन्वय के लिए उत्तरदायी है? तो यह है ICAR, ठीक है। RBI की प्रिंटिंग प्रेस इनमें से किसी स्थान पर स्थित है? तो यह है देवास। क्वेश्चन नंबर 132, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग DUMPING डंपिंग का अर्थ देश या कंपनी द्वारा एक उत्पाद का उस मूल्य पर निर्यात करना है जो विदेशी बाजार में घरेलू बाजार में लगाए गए मूल्य से कम है। क्वेश्चन नंबर 133, अक्टूबर 2018 में बीमा क्षेत्र में FDI की जो निवेश सीमा है बीमा क्षेत्र में, तो वो 49% है। बैंकिंग में MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इनमें से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो ये कनारा बैंक है। ये सारे जो है ना ये मतलब नेशनलाइज बैंक है, ये जो कनारा बैंक है नेशनलाइज है, बाकी प्राइवेट है, अभी तक इनका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ। इनमें से कौन सा क्षेत्र संगमरमर राजस्थान मकराना बहुत मशहूर है, मकराना जो है एक वैरायटी भी है संगमरमर की पत्थर की। भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिए किस वर्ष में राज्य के कृषि आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये और किस वर्ष में उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की? देखो 1926 में जो स्थापना की गई थी और उसने जो रिपोर्ट दी थी वो 1928 में दी थी। क्वेश्चन नंबर 138, किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी? तो 2004 में की गई थी, ठीक है।